हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज, सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक में तो ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉप्स में ऐसा नहीं होता। हेटरोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, अपने फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपको यह डेफिनेशन से पता चल रहा होगा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। खुद अपना फूड नहीं बना सकता कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से, अपने फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। तो इसमें आप ये लॉस बनाते टाइम ये डार्क लाइन डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, ऑल द एनिमल्स शो दिस हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें आप एक लाइन और ये मेंशन करें, द नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक ईस्ट और ऑल्सो हेटरोट्रॉप्स। कुछ इसमें आप प्लांट भी लिख सकते हैं, जैसे कि पीचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, दे ऑल्सो शो द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, देन थ्री टाइप्स। सबसे पहला सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, देन होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन तीनों न्यूट्रिशन को पढ़ते टाइम हमें मेन डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि जो खुद अपना फूड नहीं बना सकते, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, और वो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर है वो है डेड ऑर्गेनिज्म से जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, और जो न्यूट्रिशन इस तरह का शो करते हैं वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स का कोई भी डेड पार्ट है उसको, उसी से अपना ये सैप्रोफाइट्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो इसके अंदर आप एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया एटसेट्रा, ये ऐसे होते हैं कुछ बैक्टीरिया कुछ फंजाई सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। देन सेकंड हमारे पास है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में फिर से हमें वही बात ध्यान रखनी है, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते दूसरों पर डिपेंड करते, तो इसमें दूसरे कौन होंगे जिससे ये अपना न्यूट्रिशन लेंगे, वो होंगे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सैप्रोफाइट्स थे वो डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, पैरासिटिक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो इसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप मॉस्किटो बता सकते हैं, मॉस्किटो है खुद भी लिविंग है और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, जैसे ह्यूमन बींग है उसके ब्लड पे ये डिपेंड करता है, तो वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, ये सैप्रोफाइट्स भी होते हैं और ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं। थर्ड जो मेन टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनके अंदर प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल डेवलप्ड होती है। जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सब होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इंजेस्ट करता है, यानी कि माउथ के थ्रू इंटेक करेगा, देन वो इंजेस्टेड फूड डाइजेस्ट होगा बॉडी के अंदर जाकर के, और बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड के अंदर, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है वो हमारी बॉडी से बाहर इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो इस तरह के जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले इंजेशन हो रहा है, फिर डाइजेशन हो रहा है उस फूड का, फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर वो फूड एब्जॉर्ब होने के बाद स्टोर भी होता है जिसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, वो स्टोर भी नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो वो इंजेशन बोलते हैं उसको। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो अभी मैं बात पीछे बताई रही थी आपको, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ प्लांट भी आते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, लाइक विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट एक पीचर प्लांट भी है जो अपना फूड नहीं बना सकते, लेकिन कोई भी इंसेक्ट
वो एज अ फूड की फॉर्म में लेते हैं। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट हम इनको बोल सकते हैं। तो ये भी दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो दे आर हेटरोट्रॉप्स। इसके अलावा हेटरोट्रॉप्स और कौन कौन हो सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ये बहुत ही कॉमन और सिंपल टर्म्स हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके होलोजेनिक न्यूट्रिशन के अंदर यूज होंगे इंजेशन। इंजेशन मीन्स कोई भी फूड हम लेते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन के बाद डाइजेशन ऑफ फूड बॉडी के अंदर आ गया है। अब वो फूड क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ दैट फूड इनटू स्मॉल पीसेस इज नोन एज डाइजेशन। आप ये डार्क लाइन जो है ये इनकी डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लें यहाँ पर। तो ये जो मैं करा रही हूँ डिफरेंट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, जो पीछे भी मैंने आपको बताए थे। थर्ड यहाँ पर आता है एब्जॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो डाइजेस्टेड फूड ही अब हमारे इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होगा थ्रू द विलाई। ये आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे। वहां से वो ब्लड के अंदर चला जाएगा, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लड के अंदर वो फूड स्टोर रहेगा, इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है एसिमिलेशन। अब वो फूड जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो ब्लड बॉडी सेल्स के अंदर जाएगा। ब्लड के अंदर यहाँ था, ब्लड बॉडी पूरी बॉडी की सेल्स को वो फूड देगा ब्लड, जिससे बॉडी सेल्स को एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी ग्रोथ करेंगे, रिपेयर करेंगे। इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इजेशन जो होता है वो भी मैं बताई रही थी, जो भी पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ है, द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड पार्ट, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे डिफरेंट स्टेप्स हैं। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक में तो ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉप्स में ऐसा नहीं होता। हेटरोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, अपने फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपको यह डेफिनेशन से पता चल रहा होगा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। खुद अपना फूड नहीं बना सकता कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से, अपने फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। तो इसमें आप ये नॉट्स बनाते टाइम ये डार्क लाइन डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, ऑल द एनिमल्स शो दिस हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें आप एक लाइन और ये मेंशन करें, द नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक ईस्ट और ऑल्सो हेटरोट्रॉप्स। कुछ इसमें आप प्लांट भी लिख सकते हैं, जैसे कि पीचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, दे ऑल्सो शो द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, देन थ्री टाइप्स। सबसे पहला सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, देन होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन तीनों न्यूट्रिशन को पढ़ते टाइम हमें मेन डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि जो खुद अपना फूड नहीं बना सकते, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं और वो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर है वो है डेड ऑर्गेनिज्म से जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, और जो न्यूट्रिशन इस तरह का शो करते हैं वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स डेड एनिमल्स का कोई भी डेड पार्ट है उसको उसी से अपना ये सैप्रोफाइट्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो इसके अंदर आप एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हैं फंजाई, बैक्टीरिया एटसेट्रा। ये ऐसे होते हैं कुछ बैक्टीरिया कुछ फंजाई सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। देन सेकंड हमारे पास है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में फिर से हमें वही बात ध्यान रखनी है, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते दूसरों पर डिपेंड करते, तो इसमें दूसरे कौन होंगे जिससे ये अपना न्यूट्रिशन लेंगे, वो होंगे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म।
जो सेप्रोफाइट्स थे वो डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, पैरासिटिक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो इसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप मॉस्किटो बता सकते हैं, मॉस्किटो है खुद भी लिविंग है और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, जैसे ह्यूमन बींग है उसके ब्लड पे ये डिपेंड करता है, तो वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे फंजाई बैक्टीरिया, ये सैप्रोफाइट्स भी होते हैं और ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं। थर्ड जो मेन टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनके अंदर प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल डेवलप्ड होती है। जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सब होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इंजेस्ट करता है, यानी कि माउथ के थ्रू इंटेक करेगा, देन वो इंजेस्टेड फूड डाइजेस्ट होगा बॉडी के अंदर जाकर के, और बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड के अंदर, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है वो हमारी बॉडी से बाहर इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो इस तरह के जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले इंजेशन हो रहा है, फिर डाइजेशन हो रहा है उस फूड का, फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर अनडाइजेस्ट, फिर वो फूड एब्जॉर्ब होने के बाद स्टोर भी होता है जिसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, वो स्टोर भी नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो वो इंजेशन बोलते हैं उसको। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो अभी मैं बात पीछे बताई रही थी आपको, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ प्लांट भी आते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट एक पीचर प्लांट भी है जो अपना फूड नहीं बना सकते, लेकिन कोई भी इंसेक्ट वो एज अ फूड की फॉर्म में लेते हैं, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट हम इनको बोल सकते हैं। तो ये भी दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो दे आर हेटरोट्रॉप्स। इसके अलावा हेटरोट्रॉप्स और कौन कौन हो सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ये बहुत ही कॉमन और सिंपल टर्म्स हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर यूज होंगे। इंजेशन, इंजेशन मीन्स कोई भी फूड हम लेते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन के बाद डाइजेशन ऑफ फूड बॉडी के अंदर आ गया है, अब वो फूड क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, तो ब्रेक डाउन ऑफ दैट फूड इनटू स्मॉल पीसेस इज नोन एज डाइजेशन। आप ये डार्क लाइन जो है ये इनकी डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लें यहाँ पर। तो ये जो मैं करा रही हूँ डिफरेंट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, जो पीछे भी मैंने आपको बताए थे। थर्ड यहाँ पर आता है एब्जॉर्प्शन, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो डाइजेस्टेड फूड ही अब हमारे इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होगा थ्रू द विलाई, ये आगे आएगा हम डिस्कस करेंगे, वहां से वो ब्लड के अंदर चला जाएगा, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लड के अंदर वो फूड स्टोर रहेगा, इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है एसिमिलेशन, अब वो फूड जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो ब्लड बॉडी सेल्स के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर यहाँ था, ब्लड बॉडी पूरी बॉडी की सेल्स को वो फूड देगा ब्लड, जिससे बॉडी सेल्स को एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी ग्रोथ करेंगे, रिपेयर करेंगे, इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इजेशन जो होता है वो भी मैं बताई रही थी, जो भी पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ है, द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड पार्ट, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे डिफरेंट स्टेप्स हो गए। देन अब हम न्यूट्रिशन, जैसे हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट किया था, अब हम ऐसे ही न्यूट्रिशन पहले हम सिंपल ऑर्गेनिज्म में करेंगे। सिंपल ऑर्गेनिज्म में मैं यहाँ अमीबा के बारे में बताऊंगी, देन इसके बाद हम न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हम ह्यूमन बींग का करेंगे। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो अमीबा आपको पता ही है इरेगुलर बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसका, लेकिन जब इसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है तो वही पांच स्टेप इसमें भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं, जो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टेप में होता है, जिसके स्टेप मैंने पीछे डिस्कस किए हैं, तो सेम ही प्रोसेस से सिंपल में और सेम से ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। जैसे यहाँ पर अमीबा का एग्जांपल लिया, तो इंजेशन में यहाँ पर बताया ये अपना फूड कैसे लेता है, ये
थोड़े टाइम जैसे ही फूड इसके आसपास होगा तो ये उसी टाइम टेम्पररी फीट को डेवलप कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, जो सिर्फ और सिर्फ फूड लेने के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, तो फॉल्स फीट फॉर द इंजेशन ऑफ फूड ये डेवलप हो जाते हैं। अब ये फूड अंदर आ गया है और अंदर आकर के फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। फूड वैक्यूल होता है हमारे इस अमीबा के अंदर। तो जैसे ही फूड अंदर आया तो सेकेंड स्टेप आ जाएगा यहाँ पर डाइजेशन, वो फूड अब टूटना शुरू हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में। अब टूटने के बाद अब ये फूड एब्जॉर्ब होगा, थर्ड स्टेप हमारा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो रहा है ये अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर। आप ये देखो सारा चला गया। अब इसके बाद ये एसिमिलेशन, यानी कि अभी हमारे सेल के अंदर फूड सारा स्टोर हो जाएगा, ये सेल की एक्टिविटी करने में हेल्प करेगा। जिस जो भी ये काम करेगा अमीबा, उस काम में ये फूड उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन इसके बाद जो भी कोई अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड इस सेल सरफेस से ही, जैसे इस सेल सरफेस से जैसे वो अंदर आया था वैसे ही सेल सरफेस से वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल होती है जो ये सारे काम करते हैं, इंजेशन भी करेगी, डाइजेशन भी करेगी, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन एक्सक्रीशन, इजेशन भी इसी के थ्रू हो जाएगा। ओके, तो आप बस इसमें एक एक लाइन ही लिखें, जो आपको पीछे स्टेप बताए गए हैं उन वो भी लिख सकते हैं एक एक लाइन में। तो डायग्रामेटिकली इस चीज को लिखना है, बताना है आपको, क्वेश्चन आ सकता है ये न्यूट्रिशन इन अमीबा।